हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरी किचन की थाली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज बनाते हैं हरी चोले की सब्जी। ये देखिए, ये ताज़े पत्ते लिए हैं मैंने, इसके आधा किलो है। और इसे धो के साफ कर लिए हैं मैंने, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश भाजी है। साथ ही हम इसे बहुत ही कम मसालों में बनाएंगे और बहुत टेस्टी सब्जी बनती है इसकी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको इसका स्वाद कैसा लगा। इसे काट लिया है हमने, साथ ही उबले दो आलू लिए हैं, लहसुन बारीक कटा हुआ है, हरी मिर्च स्वाद के अनुसार लें, एक चम्मच अदरक, एक चम्मच जीरा है, एक चम्मच मैंने राई ली है, चिली फ्लेक्स एक चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। तो चलिए, कढ़ाई में तेल गरम हो गया है, एक चम्मच राई डाल दूंगी मैं, साथ ही डालूंगी जीरा, हरी मिर्च डाल देंगे, अच्छे से भून लेंगे ना। लहसुन भी डाल दिया मैंने, ये भाजी कम समय में बनती है और बहुत ही टेस्टी रहती है। अब बना के ज़रूर देखें, साथ ही बहुत पौष्टिक भी होती है। हमें हरी सब्जियाँ खाना चाहिए और बच्चों को भी खिलाना चाहिए। तो बहुत कम मसाले में बनाई है मैंने, और आप भी बना के देखें एक बार। लहसुन भुन जाने पर हम अदरक डाल देंगे, इसे भी अच्छे से भून लेंगे। हरी चोलई में उबला हुआ आलू बहुत ही टेस्टी लगता है, इसलिए मैंने उबला हुआ आलू डाला है। आपको जैसा पसंद है वैसे डाल दीजिए, मगर एक बार बना के ज़रूर देखें आप। एक चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया है, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, ये उबले आलू डाल दिए हैं। इन्हें हम भूनेंगे तो, मगर इसे कट नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक भाजी बनेगी तब तक ये बहुत गल चुके होंगे, इसलिए इसमें चम्मच टच नहीं करना है। आलू हमारा भुन चुका है तो चोले के पत्ते डाल देंगे। बिल्कुल धीरे हाथ से इसे चलाना है ताकि आलू मैश ना हो जाए। फिर आप सब्जी खा के बताइए, इसका स्वाद बहुत ही गजब का आएगा। सारे पत्ते हम धीरे धीरे इसमें मिला देंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। आप देख रहे हैं आलू वैसे ही का वैसा है, हमें सिर्फ भाजी ही चलाना है। ये देखिए, गजब का स्वाद आता है सब्जी का। सबसे बड़ी बात ये, कम समय में कम मसाले में बनती है। हमें थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा नमक और डाला है इसमें। सारे पत्ते भी डल गए हैं, और स्लो आंच पे इसे पकाना है, ढकना नहीं है बिल्कुल भी। लगभग भाजी हमारी बन चुकी है, पानी भी सूख गया है इसका। आप देखिए, लगातार चलाना है इसे। लीजिए, सब्जी बनकर तैयार हो गई है। गर्मा गर्म चोलाई की भाजी तैयार है। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।